किरदार के लिए तो चूज़ी तो होना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि मुझे कितने ऑफर्स मिले हैं, उसके हिसाब से ही चूज़ी हो सकते हैं, क्योंकि एक हद के बाद तो एक्टर कभी चूज़ी हो नहीं सकता। किरदार की अगर बात करें तो किस तरह किरदार है पूरी फिल्म और उनके मैसेज को लेकर घूम रही है? ये जिस तरीके का टाइटल है इश्क मलंग, जो किरदार है कोई वो कोई इश्क में मलंग हो गया है और उसी में ही कोई जो जो वो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, तो यही किरदार है। इश्क मलंग हुआ जल्दी चेंज कर दो। इश्क नितिन मलंग हुआ है ये कैमरा लड़की के पैन लिए। लेफ्ट करो। वैसे तो आजकल आप लड़कों के लिए भी मलंग हो हेलो सकते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में मैं लड़की को नहीं, लेके गया। पैन राइट। ओके अगर राइट राइट इस पॉइंट की राइट बात राइट करूं तो राइट तुम्हारे राइट स्टैंड राइट क्या राइट रहेगा राइट इंटरेक्शन राइट 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 एक्चुअली राइट राइट अगर उस लेवल पे देखें तो राइट बहुत ही राइट इंटरेस्टिंग राइट स्क्रिप्ट है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है, अरे कोरोना में बाद में और भरने का आपको सुझाव जो है अभी लगेगा के कि लिए रख अगले लो सीन में अच्छा ये हुआ है, तो दिखेगा ही नहीं। अमित आ आपके जाओ अगले सीन में आपको ये लगेगा अच्छा फिर ये कैसे हो गया, अमित ये बात तो तो ऑडियंस जो है वो बात हुक्कअप तो अभी रहेगी जहाँ पे अमित खड़ा कि है आगे ठीक क्या है वो होने पहले वाला है। पीछे रहेगा, तो मेरे ख्याल ये से लोग जैसे यही ही वहां सबसे से पास इंटरेस्टिंग होने पॉइंट है लगा फिल्म का, तो फिर अमित कि की एक पूरी फिल्म सस्पेंस है, का एक एक थ्रिल है लुक जो जो कि है हमेशा वहां पे बरकरार रहेगा। सिमिलरली ओके सामने अगर वाले आज जैसे के समझा सीन की बात करूं जो आज फिल्म की साल के अब अंदर ये इश्क मलंग यहां तक कैसे आया? इश्क में तो बड़े बड़े चलो लोग यार जेल एक हो गए बाद तो में एंट्री करेगा मैं ना क्या चीज हूँ, बाद में तो आदमी है अब मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो स्टोरी रिवील हो जाएगी, लेकिन ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। लेकिन हाँ यहाँ ये कैरेक्टर जो है किसी तरीके से एक सीक्वेंस है जहाँ पर किसी को ढूंढ रहा है वो, और उसको ढूंढते ढूंढते वो जेल में पहुँचता आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा इस तरह की चीज़? चल यार जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। अरे छोटा कल भाग मेरे गया लिए यार इतना क्यों बहुत बाईपास हो रहा है? चैलेंजिंग कहूँगा मैं ये रोल इसलिए था क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का रोल अभी तक किया उनको नहीं था। समझा दिया क्या? लव शव में एक बहुत ही एक बल्लू दादा बदल, पीछे जाओ एक पहला बहुत ही दादा सीधा साधा सा पीछे बंदा था, जाओ। राम मैं क्या बोला था में वो एक अलग तरीके का किरदार था जो कि पॉन लिखता था। इस फिल्म में ये जो कैरेक्टर है ये प्यार में फना, प्यार में मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, करके दिखाओ एक तो बार उसका एंट्री एक अपना करके मज़ा था, दादा एक बार मैप पे आ जाओ एक अपनी ब्यूटी है मैप वो पे किस दादा तरीके मैप से पे मैं आ जाओ एक अचीव कर मिनट। सकता हूँ वो रोमांस। अरे हाय हाय क्या हो खड़े रह गया मुझे सीधा। देखने जाए बॉक्स ऑफिस हाँ में थोड़ा राइट में क्या लेके निकलेगी उससे बस और वो थोड़ा तो एक राइट पैकेज है ये, इसमें बस गाने ऊपर हैं, का इसमें प्लान निकाल मस्ती लो बस है, इसमें ये कॉमेडी यहाँ पे है, मैप पे इसमें आ गया एक्शन ऊपर है, का कुछ ऐड इसमें ऑन थ्रिल दिखाओ है। मुझे बस मेरे ख्याल से ये ऐसे दिखाओ आनंद जेतपाल जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं और शेखर जिन्होंने ये फिल्म समझ लिखी गया। है, मेरे ख्याल से चल इन्होंने चल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट चल आ चुना है जा जिसमें सब कुछ है, उधर तो जेल आई में है ना पास सपोज हो तुम्हारे ऑडियंस पास को में। बहुत ये भरपूर वाले मजा जेल में एक आएगा। बार बंदे को ऐड करो वो झांक के उसी की देखेगा बात वो गेट करूँ बंद करो ये हाय गेट खुल रहा म्यूजिक है में बहुत बड़ा अहमियत होता है तो आप गेट बंद उसकी करो बात तो गेट करना खुल ठीक है और आगे जाना जरूरी होगा। मेरे ख्याल से इस हाँ उसके पास में एक और हमारी रखो फिल्म में पांच अरे गाने सेम हैं बंदे को क्यों रख रहे हो उसी और गेट पे यहाँ पांचों जो मतलब हैं एक दूसरे से वो अलग बंदा हैं। उधर ही था ना इससे पहले एक वाले बहुत ही पास में पैपी आइटम नंबर है, दूसरे बहुत रखो ही दो लोगों को फन उसको खींचा फिल्ड दो मैरिज सॉन्ग है, एक बहुत ही सूफियाना टाइप का कैलाश खेर जी ने एक गाना गाया नितिन है थोड़ा और एक रोमांटिक वो सॉन्ग ट्रॉली है। आ रहा है सो वो इंटरेस्टिंग, से बहुत ही इंटरेस्टिंग नितिन एल्बम है तुम लोग यार प्रेम ही और नहीं दिखते क्या बहुत ही बंदे मॉडर्न उसका एक भी इंटरप्रिटेशन शॉट है भी नहीं गानों तुम का। लोग सो आई सपोज यूथ को भी मजा इधर आएगा, सोलफुल ओ म्यूजिक भी इधर है, इधर एक ऐसा म्यूजिक है जो आई सपोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेजिड्यू छोड़ के जा रहा है जो भाई कि यहाँ आपको पे चाबी मजबूर तो बंद करेगा करो अपनी गाड़ी में अपने रेडियो में ताला बार बार सुनने के लिए।